हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। पिछले कुछ टाइम से हम थोड़े से बिजी थे ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग, अब हम लोग थोड़े फ्री हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए NDA नेवी और एयरफोर्स का एक कम्बाइन बैच लेके आइए, तो वो आपकी डिमांड पूरी होने जा रही है। तो सबसे पहले आप सब लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम के ऊपर भी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब लोगों को गिवन है। आखिर क्या क्या हम लोग प्लान किए आप लोगों के लिए 100 डेज़ के लिए बच्चे, 3 मंथ्स का जो हमारा प्लानिंग है वो इसके अंदर हम शेयर करेंगे। मेरे साथ प्रवीण सर हैं, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और मिश्रा जी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और अदर जो फैकल्टी आपको मैथ और अलग अलग सब्जेक्ट के हैं आपको पूरे करवाए जाएंगे। मतलब आप लोगों के लिए क्या है ना, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन की जो आप लोगों की डिमांड थी, वो पूरा दिन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर रहना है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई आप लोगों से पैसा नहीं ले रहे हैं। PDF वगैरह एक एक चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। बस आपका एक ही काम है, जितना हो सके उसको शेयर करते रहिए, ताकि हर एक बच्चा जो कहीं भी, चाहे कहीं गांव में बैठा हो, चाहे कहीं भी उसके पास कम रिसोर्सेज हो, फीस ना हो, तो भी क्या है बच्चे, वो यहाँ पर फ्री में क्या है, यहाँ पर पढ़ सकता है। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं बच्चे। यहाँ पर पहले बात किसी कर रहा हूँ मैं, NDA की। NDA 2021 की बात मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा, ध्यान रखना। NDA 2021 100 डेज़, 25 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कब शुरू करें हम लोग बच्चे 25 से, क्या है, 25 दिसंबर, मतलब ये आप लोगों के लिए क्रिसमस डे का एक तरीके से सरप्राइज है। 25 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर क्या है शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कि 100 डेज के लिए पहली बारी किसकी आएगी, पहली बारी बच्चे यहाँ पर NDA की है। उसके अलावा हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर X&Y ग्रुप है आप लोगों के साथ, जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिलेक्शन दिए। आप लोग जानते हैं ग्रुप डिस्कशन बैच में बच्चे, इवन महाराष्ट्र तक के बच्चे आए हुए हैं, तो सब लोग यहाँ पर आके अपना समझ सकते हैं। YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। साथ में क्या है, नेवी हमारा टारगेट है, और आजकल जो कोस्ट गार्ड की जो बच्चे निकली हैं उसको भी क्या हम लोग यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे। मतलब कंप्लीट जो डिफेंस है आप लोगों का, जो 12th बेस एग्जाम होता है, NDA हो, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप हो, चाहे नेवी हो, या फिर कोस्ट गार्ड हो जो अभी निकला है, तो उन सबकी प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। और सबसे मेन काम क्या है कि पहले अटेम्प्ट में कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम भी आप लोग जानते हैं 12th में, अभी जस्ट मार्च के अंदर उन लोगों के बोर्ड एग्जाम होंगे, तो कैसे स्टडी को मैनेज किया जाए, हमारे साथ कैसे जुड़ा जाए। और जो लोग 12th कर चुके हैं, तो वो लोग तो बच्चे दिन रात एक कर दो, इस बार गेम खत्म करो, कहानी खत्म, जर्नी जो लंबी तुम चलाना चाहते हो उसको एंड करो, और यहाँ पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपको देंगे। अब जैसे कि मैं जल्दी जल्दी आपको ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको, प्रवीण सर आपको एक एक बात यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वो उनसे भी आप अपना जो भी तुम्हारा डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, पर्सनली हम दोनों लोग उसको रिप्लाई करेंगे, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। तो ये किसके लिए बच्चे, NDA है, X&Y है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, 2021 के लिए बच्चे आने वाले 100 डेज़ का प्लान है। किसका प्लान है ये, आने वाले 100 डेज़ का ये प्लान है आप लोगों के लिए। जो लोग भी 12th अपीयरिंग हैं, भी 12वीं पास, अभी 12वीं के अंदर हैं, या फिर जो लोग 12वीं पास कर चुके हैं, बोर्ड एग्जाम जिनके अभी, जो 12th अपीयरिंग उनके बोर्ड एग्जाम भी होंगे, तो कैसे स्टडी को मैनेज करना, वो सारी बातें हैं। अब जरा दूसरी बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो जो हम करेंगे कॉमन क्या क्या है तीनों एग्जाम में। जैसे NDA की बात करें तो मैथ तीनों में वही आता है, चाहे SSR हो, चाहे AA हो, ठीक है। बात करेंगे फिजिक्स की, तीनों में क्या है बच्चे, सेम आती है, और यहाँ पर क्या बच्चे, इंग्लिश, तीनों में यहाँ पर क्या है, सेम आती है। लेकिन NDA के अंदर क्या है, जैसे एक GAT का पोर्शन है जिसके अंदर इंग्लिश को हटाऊं तो बच्चे जनरल नॉलेज की बात करूंगा, जो कि 400 नंबर आपके मेरे हाथ में है, ध्यान रखना। वाई ग्रुप की बात करूंगा तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको रागा पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना। और SSR के अंदर यहाँ पर क्या बच्चे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, और आपको GK, मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दूंगा, और डेली का प्लान आप लोगों को एक दिन पहले अपडेट हम लोग करेंगे कि कल ये टाइम पे ये क्लास होंगी, और आपको उसके अंदर पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात बच्चे नेक्स्ट, यहाँ पर अगर मैं स्लाइड देखता हूँ, टाइमिंग की बात है बच्चे, किसकी बात है यहाँ पर, टाइमिंग की। तो 10:30 से यहाँ पर 12 GAT और GK, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो जो एग्जाम में आपके आता है वो सबको हम शुरू करेंगे। अब उसके बाद आपको प्रवीण जी बताएंगे इंग्लिश के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 बजे शाम को यहाँ पर क्या होगी आप लोगों के लिए, स्पेशल फिजिक्स क्लास मिश्रा जी पढ़ाएंगे, बहुत ही टॉप टीचर है, ध्यान रखना। और आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब न्यूमेरिकल आते हैं तो उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, थ्योरी, मतलब अगर मान लो थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थ्योरेटिकल बेस है, तो उससे भी क्या आपको बच्चे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग क्या एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे, ये नहीं कि एकदम आते ही एकदम इंग्लिश में हो जाएंगे, बारी बारी से हर एक बच्चा क्या है उन सब बातों को समझ पाए, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। मैं दिन में बच्चे आपसे 3 से 4 दोबारा से मुलाकात करूंगा, यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन, क्विज, प्रैक्टिस हम लोग साथ लेके आए, मतलब साथ में क्या आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास भी है। तो जितने लोग NDA के लिए तैयारी करने वाले हैं, X&Y के लिए हैं, नेवी के लिए हैं,
तो उन लोगों को कहीं दूसरी जगह जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेंगी। बाकी अब इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको प्रवीण जी बताएंगे क्या क्या वो आपको कराने वाले हैं, आइए जरा उनसे सुनते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? देखो, इंग्लिश को लेके सभी एग्जाम्स की हम बात करेंगे, सभी एग्जाम्स रहता है सभी एग्जाम में, जो एनडीए हो, एनडीए के तरह के 50 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश में, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स इंग्लिश रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इंग्लिश का। टोटल जो आपका 900 मार्क्स का जो मार्क्स, 200 नंबर का आपका मैथ का रहता है, टेक्निकल मैथ 1 और 2 का, और 200 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है, बाकी 400 नंबर जो आप सर ने बताया, जो जीएटी का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, वो कवर करता है। तो इंग्लिश को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, बिल्कुल 0 लेवल पे है, उसको भी हम बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे, बात करेंगे। इसके अलावा एयरफोर्स की, एक्स एंड वाई की, तो दोनों में कॉमन इंग्लिश होती है। 20 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होते हैं। एक एक एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं तो एक आपका पैसेज आता है, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं आपके, और 4 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी के ऊपर बेस होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 20 मार्क्स की आपकी एयरफोर्स एक्स एंड वाई में इंग्लिश रहेगी। और हमारा टारगेट ये रहता है कि, मेरा टारगेट पर्सनली ये रहता है कि कोई बच्चा किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो बिल्कुल 0 लेवल पे हो, चाहे उसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता हो, इसको एंग्लोफोबिया हो, एंग्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश से डर लगता हो जिसको, वो बच्चा भी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से और लास्ट तक जुड़ा रहेगा, हैंड फर्स्ट डे से लेकर और 100वें दिन तक जुड़ा रहेगा, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो बच्चा आराम से 18 मार्क्स। मैं टारगेट हमारा क्या है कि एयरफोर्स के अंदर टारगेट, अगर जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, कि 20 में से 18 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। 20 में से टारगेट क्या है हमारा, 18 प्लस का टारगेट है, कम से कम 18 नंबर की मैं सोचता हूँ, ठीक है। और दूसरा, ये एक्स एंड वाई की बात करें, नेवी की बात करेंगे, एनडी की बात भी हम करेंगे, नेवी की अगर हम बात करेंगे, नेवी SSR, इसमें आपकी 25 मार्क्स, इसमें आपका 25 मार्क्स, ठीक है, 25 में से एक आपका पैसेज आता है 5 मार्क्स का, और 20 नंबर जो आपके बच गए उसमें आपकी वोकेबलरी और ग्रामर आती है, ठीक है। ग्रामर की बात करेंगे नेवी SSR के अंदर, तो आपकी ग्रामर लगभग 14 to 15, 14 से 15 नंबर की ग्रामर रहती है, 4 से 5 नंबर की आपकी वोकेबलरी रहती है, वोकैब में वही चीज़ें हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और आपका इडियम एंड फ्रेज, और 5 नंबर का आपका पैसेज रहता है। तो नेवी में टारगेट हमारा क्या है कि 25 में से जो आपके 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का, वैसे ही एक क्वेश्चन एक नंबर का एयरफोर्स के अंदर रहता है। तो 25 में टारगेट क्या है कि हम 22 प्लस, 22 प्लस नंबर लें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है इनमें, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, वो आपको पता ही है, नेवी और चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। एनडीए की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल नंबर क्या बन जाते हैं आपके, 200, ठीक है। 200 जो आपके मार्क्स बन जाते हैं। अब 50 क्वेश्चन में से आपके थोड़ा वेरी करता है, यहाँ पे सिनोनिम्स आ जाते हैं, कभी 10 के सिनोनिम्स आ देता है एग्जामिनर, कभी 10 एंटोनिम्स दे देता है, 5 इड एंड फ्रेजेस दे देता है, ठीक है। लेकिन कभी सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम 5 दे देता है, 10 की बजाय 5 पे ले आता है, एंटोनिम्स को कोई 10 जो देता है, कभी काफ़ी वेरी करता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल लो लेवल से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक चीज़ों को लेके जाएंगे। सिनोनिम्स चाहे आपके 5 आए, 10 चाहे 10 आए, एंटोनिम्स चाहे 3 आए, 5 आए चाहे 10 आए, इडियम एंड फ्रेज चाहे आपके 2 आए या 5 आए, कुछ भी वेरी करे, चाहे वन वर्ड अलग अलग वेरी करते रहें, कोई दिक्कत की जरूरत, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप इजीली 50 में से, ये जो हमारी क्लास चलेगी 12:30 to 1 PM, ये जो क्लास चलेगी ये रेगुलर चलेगी आपकी, ठीक है। और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से हम इसका टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, 30 मिनट्स की जगह पर इसको 35-40 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जैसी डिमांड होगी वो कैब को लेके, ठीक है। आप लोगों का जो फीडबैक होगा उसको लेके हम इस टाइम को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो कैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो एनडीए हो, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर की बात करेंगे तो 45 मिनट्स की हम क्लास लेंगे, ठीक है। और ग्रामर को बहुत ईजिली हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे, चाहे आप फिर एग्ज़ाम देना, एनडीए का एग्ज़ाम दो, चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम दो, चाहे नेवी का एग्ज़ाम दो,
सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर ऑल इन वन ये चीज़ रहेगी आपकी, मतलब एक बार आपको ये 45 मिनट्स की क्लास लेनी ग्रामर की और हाफ एन आवर की जो क्लास है वो कैब की, वो सभी एग्जाम्स के लिए रहेगी आपकी, चाहे वो नेवी की बात करें, चाहे वो एयरफोर्स की बात करें, चाहे वो एनडीए की बात करें। तो इंग्लिश को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और एनडीए की जो थोड़ी मैं टारगेट जो हमारा था कि 50 जो क्वेश्चन आते हैं आपके, 50 जो क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें से टारगेट क्या है कि 40+ आपके ठीक हों, ठीक है। 40+ ठीक होने का मीनिंग क्या होगा कि आपके 160+ मार्क्स होंगे आउट ऑफ 200, 200 में से आपके 160+ तो मिनिमम आने ही चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर आएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने टारगेट क्या लिया है कि टोटल जो आपके 900 मार्क्स जो हैं, ठीक है, इसमें 300 नंबर का आपका टेक्निकल मैथ रहेगा, 200 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी और 400 मार्क्स का जो सर ने बताया आपका जीएस का पोर्शन रहेगा, जीएटी का पोर्शन रहेगा, ठीक है। उसमें फिजिक्स का भी बहुत अच्छा वेटेज है, तो फिजिक्स के हमारे बहुत ही टॉप लेवल के टीचर हैं, वो आपसे मुलाकात करेंगे, क्लास लेंगे, आप उसको खुद फील करोगे कि उनका जो लेवल है, उनका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल वे में बहुत एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये टारगेट हमारा 400+ का आउट ऑफ 900, तो इंग्लिश का एक बहुत अच्छा वेटेज होने वाला है इसमें से। 400 में से अगर आपके 160 इंग्लिश के हो जाएंगे ठीक, 160 आप इंग्लिश में ले लोगे तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ 700 में से आपको 240 या 250 नंबर ले लोगे तो ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई अगर कर जाओगे तो किसी चीज़ की सारी क्लासेस क्या होंगी, फ्री होंगे, किसी को कोई पैसा भी नहीं जरूरत नहीं है। और जो बच्चे बिल्कुल लो लेवल के स्टूडेंट होते हैं जो पैसा नहीं दे सकते, वो लोग भी और इसको शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक आपको शेयर करना है इसको। और जो आपको नोट्स में स्टडी मटेरियल जो है आपका PDF है, वो आपको जो वीडियो चलेगी उनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी शेयर कीजिए, वहाँ पर आपको सभी लिंक मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर आप जाओगे तो टेलीग्राम पर जाके आप डिफेंस लिखोगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि वो लेटेस्ट वीडियो जल्दी डिफेंस वीडियो आपका काम क्या है, इसको मैक्सिमम लेवल पर क्लियर करें ताकि आप सभी जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स को देखते हैं उनका बेनिफिट। ठीक है, और दूसरा एग्जाम वो 5 सितंबर को होगा, तो इसलिए आपको घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग आपको दी बेस्ट चीज़ यहाँ पर देने वाले हैं, एक एक चीज़, और मोटा मोटा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जाएंगे तो मुझे अनअकैडमी के प्रोफाइल के ऊपर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप मेरा एज इट इज़ नाम लिखेंगे। अगर आप पूरे अनअकैडमी के ऊपर बेटा मेरा कोर्स लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर आप ये एज इट इज़ कोड आप लिख देंगे तो आपको वहाँ पर क्या है 10% का डिस्काउंट मिलेगा पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ध्यान रखना। और इस प्रोफाइल को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस किस तरीके का हम लोग कंटेंट दे रहे हैं। और रही बात आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर तो आपको डरने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम जिस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाएंगे एक यूनिक वे में आपको एक एक चीज़। रही बात मैथ्स की, आप लोग जानते हो बच्चे ड्यूरेशन टाइम आवर्स आपको पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, तो हमारे जो मैथ्स के फैकल्टी होंगे वो आपको इसके अंदर पूरा कवर कराएंगे, बकायदा डेली क्लास लगेगी, जितने घंटे आप मांगोगे यार उतना घंटा तुमको क्लास हम देने को तैयार है। बस हर एक बच्चे तक क्या है हमारा ये वीडियो पहुंचना चाहिए, एक अथक प्रयास है खासकर यूपी वालों के लिए, और जो हरियाणा वाले हैं और जो राजस्थान वाले हैं और साथ में बिहार वालों को भी इस बार बच्चे मुझे लग रहा है हमें मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 स्टेट से खासकर मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग जितना हो सके उतना क्या है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आगे भी उम्मीद करूंगा। जैसे कि सर ने बताया कि इंग्लिश सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं, जीके के लिए बच्चे अलग से 100 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर 25 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं। तो ये पूरा पैटर्न हम इसके ऊपर क्या काम करेंगे, अलग अलग चैप्टर है जहाँ जहाँ से जितने जितने क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर क्या है एक साथ हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। तो कंप्लीट हम यहाँ पर क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, टाइमिंग मैंने आपको फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ एक बार, क्लास से
खत्म करने से पहले एक बार क्या दोबारा से आप टाइमिंग देख लें, 10:30 से 12 आपको बच्चे डेली 1.5 घंटा जीके मिलेगा, जीएटी जो पोर्शन जहां से आपको 400 तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। फिर आपको प्रवीण जी पढ़ाएंगे आपको 30 मिनट का डेली एक वकैब का, सब लोग लाइव आके बच्चे सब लोग आपसे पोल कराएंगे, बकायदा टाइम भी हम लोग यहाँ पर क्या सेट करेंगे ध्यान रखना। फिर यहाँ पर से क्या बच्चे क्विज कराएंगे जो मैंने सुबह पढ़ा था उसका, फिर हम लोग क्विज भी लेंगे आप लोगों से, बायलिंगुअल चलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ में फिर से क्या है सर ग्रामर ले आएंगे, मिश्रा जी बच्चे 7 से 8 आपको फिजिक्स ले आएंगे, जल्दी आपके साथ हम मैथ्स की टाइमिंग भी क्या आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमारा क्या पूरा बैच कंप्लीट होगा और अच्छे से पढ़ाएंगे 100 डेज नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और एनडीए के लिए। और कोस्ट गार्ड वाले भी क्या बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। आप सब लोगों को जय हिंद कहना चाहेंगे सर। थैंक यू। चलिए भाई मिलते फिर आप लोगों से। जय हिंद। बाय बाय।